तो ये वो आवाज है जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है। और मेरे साथ इस समय 2021 की सुजुकी हायाबूसा है। बहुत ही संक्षिप्त इंट्रो करने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ 5 वो बातें जो आप जरूर जानना चाहते होंगे इस सुजुकी हायाबूसा के बारे में। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था कि इसे मैं बहुत कुछ चला सकूँ। जो चलाया उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन जो नहीं चलाया उसमें मेरा वो अनुभव इसके साथ में साझा करने का मौका मिल गया है, जहाँ पर मैं आपसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। चलिए 5 पॉइंट्स में जानते हैं इस सुजुकी हायाबूसा 2021 के बारे में बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके राइडिंग पोजीशन के बारे में, क्योंकि हर कोई जानना चाहता होगा कि इस पर जब बैठते हैं ना तो कंफर्ट कैसा रहता है। तो मेरी हाइट कितनी है, 6 फीट से ज़्यादा है। और ये 2021 सुजुकी हायाबूसा जो बदली है ना, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आ गए हैं। तो जो पारंपरिक हायाबूसा थी उससे बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उस पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो मेरी हाइट है, मेरे हाइट की आधी हाइट की ये सुजुकी हायाबूसा है। मुझे बैठना होगा तो बहुत कंफर्टेबली बैठ जाता हूँ। देखिए कैसे उल्टे साइड से बैठ रहा हूँ, तो मैं बैठ गया। और जब मैं इस स्टैंड को हटा दूंगा तो मेरा पोजीशन, अगर मैं इस तरह से बैठूंगा तो ये रहने वाला है। और जब मैं इसको पकड़ूंगा हैंडल तो मैं यूँ हो जाऊंगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी कंफर्टेबल होगी। तो ये एकदम कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मज़ा कब आता है जब आप इसे चलाना शुरू करते हैं और 100 से ज़्यादा रफ्तार पर होते हैं तो ये आपको थकने नहीं देती है। लेकिन अगर आपने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको लेके सामना किया और चुनौती दी ट्रैफिक को, तो पक्का बता रहा हूँ आप उस चुनौती में फेल हो जाओगे। तो अभी क्या है, मेरा राइडिंग पोजीशन अच्छा है, लेकिन जब मैं इसे रेस ट्रैक पर लेकर निकल रहा हूँ या ऐसी कोई सड़क हो जो पूरी खाली हो, तो वहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि राइडिंग कैसी रहने वाली है। और साथ साथ एक चीज़ और बताता चलो, इसमें अगर कोई पिलियन बैठेगा तो इसमें आप देख रहे होगा कि पिलियन के लिए फुटपैक दिए हुए हैं, ये देखिए। लेकिन भैया ये सोलो राइडर के लिए है अभी, क्योंकि मैं अकेले चला रहा हूँ ना इसलिए। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी गर्लफ्रेंड बैठे ना, तो ये पीछे हटवा दीजिएगा, उसके लिए सीट की जगह बन जाएगी और इसमें आप सामान रख सकते हैं। तो बहुत सारी यूटिलिटी के लिहाज से भी ये हायाबूसा बहुत ही विलक्षण बन चुकी है और बहुत मज़ेदार लगती है जब इस सेगमेंट में आप उतर कर देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट में आपको बता दूं, जिस मोटरसाइकिल के साथ बैठा हूं ना, ये आपको सिर्फ वीडियो में नज़र आएगी। खरीदना चाहेंगे तो आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, क्योंकि पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुकी है। तो ये मारुति सुजुकी की स्विफ्ट है सुपर बाइक कैटेगरी में, अगर आप देखेंगे। और अब आपको बताता हूं कि क्यों खरीदना चाहिए। तो अगर बढ़िया आपको सर्विस नेटवर्क चाहिए तगड़ा वाला सुजुकी का, तो ये हायाबूसा आपको सबसे बेहतरीन लगने वाली है। क्यों? क्योंकि BMW से बेटर लगेगी आपको, ये डुकाटी से बेटर सर्विस नेटवर्क दे जाएगी, वहीं पर कावासाकी से बेहतर आपको सर्विस नेटवर्क दे जाती है। और जब आप बात करते हैं ट्रायम्फ की, तो उससे भी बेहतर वैल्यू क्रिएट करती है ये हायाबूसा। कहीं भी आप सर्विस करवा सकते हैं, क्योंकि इसका नेटवर्क है बहुत अच्छा है। और ये आपको सस्ता बोलूँ तो सुपर बाइक कैटेगरी में अगर आप सबसे कम वैल्यू देखेंगे जिसकी मेंटेनेंस पर आए, तो वो हायाबूसा पर आता है। तो यहाँ पर आपको ये बाइक अच्छी लगने वाली है। और यहाँ पर यही वजह है कि बॉलीवुड में इस मोटरसाइकिल को लोगों ने काफ़ी सराहा है और लोगों ने पसंद किया है। तो जॉन अब्राहम का बूम बूम ना अब अमित द्विवेदी के साथ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक भारी भरकम इस हायाबूसा को क्या आप चला सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ एकदम चला सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सेफ बाइक है। आप सामने देखेंगे आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक मिलते हैं सामने भी, क्योंकि ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, राइडिंग के ढेर सारे मोड दिए गए हैं। और इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको लेकर लेह लद्दाख जा चुके हैं। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बहुत जगह पर रोड ही नहीं है, वहाँ पर अगर कोई इसे लेके गया है तो उसने क्या हिम्मत जुटाई है। तो आप भी इस मोटरसाइकिल को खरीद कर चला सकते हैं। और ये मोटरसाइकिल आप सेफ्टी के साथ थोड़े दिन में आप इसके साथ मैच्योर हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है इस हायाबूसा को खरीद कर। और ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऐसी मोटरसाइकिल चला रहे हैं जो बहुत हैवी है और बहुत ज़्यादा जिसमें पावर है। आपके पावर से ये कदम ताल मिला लेगी, क्योंकि ये ऐसी सुपर बाइक है जो आपको बाइक चलाना भी सिखा देती है। तो माना भैया 16,40,000 रुपये एक शोरूम आपने जुटा लिए हैं, इस मोटरसाइकिल को ख़रीद भी लिया है, वहीं पर आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे भैया कि पेट्रोल कहाँ से डलवाएं, तो आपको बता दूं ये बढ़िया माइलेज देती है। मतलब 15-16 का माइलेज इस मोटरसाइकिल से आप निकाल सकते हैं। इसका जो टैंक साइज है 20 लीटर का है,
तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुपर बाइक के सपने देखने वाले माइलेज की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग पैसे बटोरते हैं, जो ऑटो एंथुजियास्ट हैं, जो बाइक के शौकीन हैं, कहीं से पैसा काट के जमा किया है, उस मोटरसाइकिल को ख़रीद लिया है, उसके लिए पेट्रोल मैटर करता है। और आज के ज़माने में जहाँ 100 रुपये को पार कर चुका है पेट्रोल, तो वहाँ पर चिंता हो सकती है कि मोटरसाइकिल कितना चलेगी। लेकिन ये सुपर बाइक है तो 15-16 का माइलेज आपको आराम से देगी, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर आपने थोड़ा धैर्य से चलाया, जो कि आप चलाने वाले नहीं, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को खरीद कर कोई धैर्य नहीं रखता है, तो आपको माइलेज ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो ये थी माइलेज की बात, और आपको पता चल गया होगा कि ये हायाबुसा माइलेज कितना देती है। अब क्या करते हैं, पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और इसको चला के आपको बताते हैं कि भैया पांचवें पॉइंट में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो चलिए मेरे गोप्रो की नज़र से देखिए इस मोटरसाइकिल का सुपर परफॉर्मेंस। तो आइए दोस्तों चलाकर देख लेते हैं इस बड़ी मोटरसाइकिल को, जिसे आप हायाबुसा के नाम से जानते हैं। इसमें लगा हुआ है 1340 सीसी का इंजन, जो कि 190 पीएस की शक्ति और 150 एनएम का टॉर्क देता है। और ये 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल DOHC इनलाइन 4 इंजन है, और जो इसका कुल वजन है 266 किलोग्राम का, ये बहुत ही सही लगता है जब आप थोड़ा इसे चला लेते हैं। और यही है मेरा वो पांचवा पॉइंट, जिसके तहत मैं आपका अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो जब इसे चलाना शुरू किया तो थोड़ा सा वक्त लगा इसके साथ थोड़ा तालमेल बिठाने में, और हर मोटरसाइकिल के साथ ऐसा लगता है, खास करके जब उसमें इतना सारा पावर हो। और जब आप चलाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसके साथ तारतम्यता बिठाते हुए आगे निकल जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें इतना पावर भरा होता है कि अगर किसी जगह पर आपने कुछ मिस किया तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन इस मोटरसाइकिल की खासियत क्या है कि बहुत ही सेफ है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो बहुत सही लगेगा, जिसमें आपको पावर मोड सेलेक्टर मिल जाता है, एंटी लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, इंजन ब्रेक कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, इसके अलावा मोशन ट्रैक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसमें मिल जाएगा, एंटी लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम इसमें मिलता है, पावर मोड सेलेक्टर मिल जाता है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्ट सिस्टम मिल जाता है। तो ये सब कुछ मिलाकर आपको एक सुरक्षित मोटरसाइकिल देती है, जिसे आप सुपर बाइक कहते हैं। और जब आप इसे हाई स्पीड की तरफ बढ़ाना शुरू करेंगे चलाने के, तो बहुत मज़ा आता है, खासकर जब ऐसी रोड मिल जाए। हालांकि यहाँ पर अनुशासित लिमिट है तो मैं उसे पार नहीं कर रहा हूँ, पर एक मौका ऐसा आया था जब मेरा मन किया था कि मैं बहुत आगे निकल जाऊँ, और ये पलक झपकते ही 2 घंटे की रफ्तार में पार कर जाती है। 299 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है। तो इस मोटरसाइकिल का जो करेक्टर है बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। जब आप सिटी में चलाएंगे तो आपके पैर जलने शुरू हो जाएंगे, जब आपको ऐसे हाईवे मिल जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ठंडी राइड मिलने वाली है, यानी कि आप सुपर कूल महसूस करेंगे अपने आप को इस मोटरसाइकिल के साथ में। और ये आपको कहीं भी बड़ी नहीं लगने वाली है, तो थोड़ा वक्त गुजारने के बाद ये मोटरसाइकिल आपसे दोस्ती कर लेती है और इसे चलाने में मज़ा आने लगता है। इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, देख सकते हैं राइट हैंड को, और इस साइड में लेफ्ट हैंड को आपको बहुत सारे सेलेक्टर के बटन मिल जाएंगे। बहुत ईजी ऑपरेट करना है, तो थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ेगा, तो इसके जो आप सिस्टम इसका दिया गया है उसके साथ तालमेल बिठा पाएंगे। सस्पेंशन सेटअप अच्छा लगता है, जब कहीं से जंप करती है तो लगता है कि आप कंट्रोल में हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसके साथ ये भी अच्छा लगने वाला है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें डाल दिए गए हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो भी आपको समझ में आएगा कि इस हायाबुसा में अब वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जिसे आप अत्याधुनिक फीचर कहते हैं। लेकिन अभी भी इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है या आपको एनालॉग मिलता है बहुत कुछ, तो इसमें डिजिटली अगर कुछ आता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे लगता है प्रयोग शुरू हो चुका है, बदलाव शुरू हो चुका है, तो आने वाले कुछ साल में ये भी आपको देखने को मिलेगा बदला हुआ। अगर आप कंफर्ट की बात करें तो जब आप हाई स्पीड पर भाग रहे होते हैं तो वहाँ पर मज़ा आता है, जैसे जब आप किसी सिटी ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से जूझेंगे तो वहाँ पर आपका दर्द करने लगेगा पीठ, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन ये मोटरसाइकिल कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। माइलेज का जिक्र शुरू में ही कर लिया है, बताया आप लोगों को 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल सकता है अगर आप 100 से 120 के बीच में चलाने वाले हैं इस मोटरसाइकिल को। लेकिन अगर इसका पूरा करेक्टर आप जीना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा रेस ट्रैक, क्योंकि सड़कें आपको अलाउ नहीं करती हैं बहुत कुछ करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अनुशासित लिमिट के साथ यहाँ पर चलाना पड़ता है। तो इन मोटरसाइकिलों के लिए अगर इंडिया में प्रासंगिकता देखेंगे सड़कों की तो कुछ नहीं बचती है, लेकिन जब आप इंजॉय करना चाहते हैं, आप अलग दिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये सुपर बाइक आपको सबसे सुपर कूल लगती है और ये मज़ेदार लगती है, और इस सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश मोटरसाइकिल है ये हायाबुसा, जिसे मेंटेन करना भी आसान हो जाता है क्योंकि सुजुकी का नेटवर्क है वो आपके फेवर में हमेशा खड़ा रहता है। तो ये था मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस इस सुजुकी हायाबुसा के साथ।
अगर आप हायाबूसा खरीदते हैं तो आपको एक ऐसा परफॉर्मेंस मिलेगा ना जो पूरी दुनिया को आपके तरफ खींच के ले आएगा, और वहाँ पर आप भूल जाएंगे कि बॉलीवुड सितारों को लोग जानते हैं, आपके मोहल्ले के आसपास के लोग भी आपको जानना शुरू कर देंगे और बोलेंगे कि भैया इस बंदे के पास हायाबूसा है। और ये एक अलग लेवल की मोटरसाइकिल है जिसके लिए सड़कें आपको इंडिया में नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैक पर नहीं गए तो इस मोटरसाइकिल को बियॉन्ड लिमिट नहीं कर सकते हैं। ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है, चलाने में मज़ा आता है, अपने पावर से आपको हर जगह से आह्लादित करती है, और जब आप इसे लेकर रोड पर निकल रहे होते हैं तो हर कोई आपकी तारीफ करके बोलता है वाओ क्या बाइक है। और यही औरा है जहां पर सुजुकी अपने हायाबूसा के साथ वो जी रही है जो वो जीना चाहती है, क्योंकि सारे लॉट इसके फिनिश हो चुके हैं, मतलब सोल्ड आउट मोटरसाइकिल है। सिर्फ मैं रिव्यू कर रहा हूं, हो सकता है मेरे इस रिव्यू को देखने के बाद में जब आप खरीदने की सोचेंगे हायाबूसा तो आप खरीद नहीं पाएंगे, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ, मेरा इंस्टा हैंडल अमित.द्विवेदी, सवाल करें सारे जवाब ले जाएं, और मैं क्या करता हूं थोड़ी सी राइड और कर लेता हूं।